कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आपको बताते चले, कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश ने ठंड के बीच यूपी में मुसीबत बढ़ाई है। तो वही कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में हुई है बारिश। कानपुर और उन्नाव में कई जिलों में बारिश हुई है। अगले सात दिनों तक संभावना जताई जा रही है। यूपी में 5 जनवरी तक घना कोहरा भी रह सकता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पहुंचा। आपको बताते चले, उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी सर्दी। अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा उत्तर भारत में। आपको बता दें कि उत्तर भारत में अभी सर्दी का सितम और बढ़ेगा। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पड़ेगा घना कोहरा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में घना कोहरा पड़ेगा। असम और सिक्किम में 5 जनवरी तक कोहरा बढ़ेगा। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर। आपको फिर से बताते चले, कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। यूपी में ठंड के बीच बारिश हुई है, जहां कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में बारिश हुई है। आपको फिर से बताते चले, यूपी में 5 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक पहुंचेगा। 60 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचेगा दिल्ली में। उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी सर्दी। आपको फिर से बता दें, उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर बरकरार है। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। 0 डिग्री से नीचे पहुंचा। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आपको बताते चले, अगले 7 दिनों के लिए IMD का पूर्वानुमान है। उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम। अनिल का लेना है, अनिल इसी खबर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, प्रवेश शर्मा दिल्ली से, पवन तिवारी लखनऊ से, अनिल शर्मा जयपुर से, राहुल मिश्रा प्रयागराज से, अनिल मीणा बुलंदशहर से, प्रवेश शर्मा दिल्ली, विक्की डे वाराणसी, विनय मिश्रा प्रयागराज। प्रवेश, क्या आपको मेरी आवाज आई? प्रवेश, दिल्ली में ठंड का कहर जैसा कि जारी है, क्या कुछ वहां का मतलब दिखाई दे रहा है माहौल? देखिए, बिल्कुल, मैं एक बात आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस समय दिल्ली जो है शिमला बना हुआ है। टेम्परेचर की बात करें तो 5 से नीचे पहुंच गया था कल। और दिल्ली का आलम यह है कि सर्दी के सितम की वजह से लोग रजाइयों से निकल ही रहे हैं, लोग घर में दुबके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तो बताया जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद अभी और हालात बिगड़ेंगे, कहीं ना कहीं सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा। इस समय दिल्ली में जिस तरीके की कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उससे ये कहना
गलत नहीं होगा कि लोगों का जीना बहाल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सड़कों पर जाते हैं या बात करें जिनके पास अपना आसरा नहीं होता, उन लोगों के लिए तो ये सर्दी जो है पूरी तरीके से सितम ढा रही है। और सबसे बड़ी बात और चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 6 जनवरी के बाद अभी जो है दिल्ली में और भी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कहना कोई गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की सर्दी है तो उसमें कहीं ना कहीं सितम, मैं साफ तौर पर कहूंगा, लोगों के लिए एक तरीके का सितम ढा रही है और सर्दी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। जी प्रवेश, जैसा कि सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया, अवकाश दे दिया गया है, तो वहां पे सारे स्कूल बंद हो चुके हैं या अभी भी कुछ स्कूल खुले हुए हैं निजी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि स्कूलों के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी थी और स्कूल 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बंद किए हुए हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया उस हिसाब से तो अभी दिल्ली की स्कूलों की छुट्टियां और ज्यादा आगे बढ़ेगी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी है। तो फिलहाल 7 जनवरी तक स्कूल बंद है, लेकिन 8 का संडे है तो 8 जनवरी तक मानिए कि स्कूल अभी दिल्ली में फिलहाल बंद है। जी पवन तिवारी, लखनऊ से क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि ठंड का कहर जारी है, वहां पे क्या कोहरा है, क्या विजिबिलिटी है? पवन जी म्यूट कर, आप अनम्यूट करें। जी आपको बता दें कि लखनऊ में पिछले 5-6 दिनों से घना कोहरा लगातार पड़ रहा है, साथ ही साथ जो कोल्ड डे की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। दिन में भी धूप नहीं, बहुत हल्की निकल रही, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है बराबर। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इसमें जो मुजफ्फरनगर जिला है तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस वहां पर दर्ज किया गया, और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वही अधिकतम जो तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हाँ, अगर मौसम वैज्ञानिक की बात, मौसम वैज्ञानिक से हमने कल बात की थी, उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद जो कोल्ड डे की स्थिति उससे हल्की निजात मिलेगी, लेकिन 1 सप्ताह बाद फिर से जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आएगी। यानी कि अभी पूरे जनवरी भर जो भीषण ठंडी है और कोहरा है उसका असर लगातार प्रदेशवासियों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से इस बार ठंडी जो है देर में शुरू हुई, दिसंबर के लास्ट वीक से ठंडी शुरू हुई, तो इस बार जनवरी के बाद फरवरी तक भी ठंडी का कहर ऐसे ही जारी रहेगा और लगातार ये जो कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, आगे चलकर शीतलहर भी शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तमाम तरह के इंतजाम भी किए हैं, रैन बसेरों में जो है हीटर वगैरह लगाए गए हैं, साथ ही साथ जो वहां पर लोग रहते हैं उनके लिए कंबल और रजाई की व्यवस्था की गई। हाँ, बात की जाए इस बार अलाव की, तो अलाव की व्यवस्था इस बार सड़कों पर नहीं नजर आ रही है। कुछ खास चौराहों को छोड़ दिया जाए, ग्रामीण इलाकों को देखा जाए तो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो राहगीर हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जिस तरह से आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है, तो बारिश के बाद जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत, जिस तरह ठंड पड़ रही है ठंड के बाद ये बारिश, तो कहीं ना कहीं डबल मुसीबत का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। जी अनिल मीणा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बुलंदशहर से, क्या वहां पे पारा है बुलंदशहर में, क्या है ठंड का मिजाज? देखिए बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का चित्र है और एनसीआर पूरे एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण लगातार घर से लोगों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात की जाए स्कूलों की छुट्टियों की, तो स्कूल भी जनपद बुलंदशहर में सरकारी स्कूलों की छुट्टी रेगुल हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल संचालक है वो तमाम स्कूल खुले हुए हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों की छुट्टी है तो आगे का प्राइवेट जो संचालक है वो स्कूल क्यों बंद नहीं कर पा रहे। और अगर बात की जाए अलायों की, तो प्रशासन ने अलायों की भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है, और ये चिंता का विषय है जिस तरह से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम साफ निर्देश कर दिए गए हैं कि अलाय सभी चौराहों पर अलाय की व्यवस्था हो, कि कोई भी लोग सर्दी से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने पाए। लेकिन उसके बाद मुझे जो जनपद बुलंदशहर के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध रखी है। और देखिए बात की जाए चौराहे की, तो ये वो चौराहा है जिसमें जहाँ तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसी तरह की, यहाँ अलाय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर देखिए यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं, हम उनसे भी देखिए बात करते हैं। मेरे साथ दादा मौजूद है, जो कुछ एक यहाँ राख पड़ी हुई है, जो रात की राख है उसमें ताप रहे हैं, और तापने के बाद क्या नाम दादा आपका? अनिल, जयपुर में क्या कुछ सर्दी को लेके मौसम बना हुआ है?
जो लोग हैं उनका कहना सिर्फ यही है कि यहाँ अलायकी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हालांकि अगर बात किया जाए तो लोग जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ बोलने को कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि जो लोगों का कहना है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ यहाँ अगर बोलते हैं तो अधिकारी बाद में इनको आगे फटका लगाता है, फटका लगाने के बाद में इनके इनपे दबाव भी देते हैं कि इस तरह के तुमने क्यों बोला है। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए भी है, क्योंकि सारे जो अधिकारी है या चेयरमैन हो या अधिकारी हो वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद धमकी देते हैं, धमकी देने के बाद उनके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तुमने क्यों बोला है। तो एक चिंता का विषय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाख दावे जरूर किए लेकिन अगर ठीक है अनिल अभी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ जयपुर से अनिल है। अनिल क्या कुछ वहां का मिजाज है, जैसा कि ठंड का मौसम, क्या बरसात ने ठंड और बढ़ाई है? अनिल आपकी आवाज साफ तौर पे हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा संपर्क करेंगे। सुनील मालवीय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सुनील क्या कुछ है मौसम का मिजाज वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही और कल से बिल्कुल कड़ाके की जो ठंड है बिल्कुल पड़ रही है मध्यप्रदेश की राज्य शहर में और अन्य जो जो शीतलहर जो क्षेत्र है जैसे पचमढ़ी छतरपुर नौगांव वहां पर बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते प्रशासन ने जो चौराहा है वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है कि लोग कम से कम ठंड से राहत मिले, अलाव आग के सहारे लोग कम से कम बैठ जाए। जो रेन बसेरे हैं रेन बसेरे में भी के बाहर भी लकड़ी और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके और प्रशासन के भी सख्त निर्देश है कि ठंड की वजह से कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, ये पूरा पूरी व्यवस्था प्रशासन के आला अधिकारी करें। जी प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। राहुल क्या कुछ मिजाज है ठंड का वहां पे प्रयागराज में? बता दें कि बरसात जो है बरसात यहाँ होने लगी है, बरसात हो रही है फिलहाल और उसके बाद आज सुबह से ही बरसात हो रही है, प्लस उसके बाद बरसात के बाद ठंड जो बढ़ती दिखाई दे रहे है। लेकिन अधिकारी जो है वो मौन है, जो जहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए रोड पे किनारे अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, और जो गरीब तत्व के आदमी है जैसे अपने यहाँ मुसहर समाज के जो व्यक्ति हैं वो गांव के किनारे में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नाम नहीं है, कोई सुध नाम चीज नहीं है। कम्बल बढ़ता है, कम्बल वहां बढ़ता है, पूछ लेते हैं प्रधान जी कितने कम्बल बंटवाने हैं आपके ग्राम ग्राम सभा में, कितने गरीब आदमी है प्रधान जी से पूछ के तब जाते हैं लेखपाल बंधु कम्बल बंटवाने, और उसके बाद। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगर धरती पे जाकर के देखा जाए कि जो गरीब है उन्हें मिला कि नहीं मिला, इसे कोई सुध नहीं लेता। अधिकारी तो हीटर की गर्मी में है, अधिकारी तो गाड़ी में हीटर लगाए हैं, पर लेकिन ठीक है राहुल आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जयपुर से संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल क्या कुछ वहां पे मौसम का मिजाज है? अनिल क्या आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करें। आ रही है आवाज? हाँ जी जी आ रही है, बताइए। सुबह से बारिश की हो रही है रुक रुक के, जयपुर का कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए यहाँ पे लगातार 4 से 5 दिन में यहाँ पे कोहरा पड़ा है, कोहरे की जो तीव्रता है वो ये है कि तो इंसुलेटिंग है विजिबिलिटी यहाँ पे 3 से 7 के बीच में नापी जा रही है, और जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो लगातार रैन बसेरों पर दौरा कर रहे हैं कि कहीं कोई गलत सर्दी से कोई किसी की मौत न हो जाए, और यहाँ पर जो मुख्य रोड है मुख्य रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं व्हीकलों के सब लाइट यहाँ पे ऑन कर रखी है, क्योंकि कोहरे के चक्कर में यहाँ पे देखने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको फिर से बता दें
कि सुबह से बारिश के बाद आज ठंड बढ़ गई है। अगले 7 दिनों के लिए आईएमडी का पूर्व अनुमान है, कोहरा अभी भी छाया रहेगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में ठंड का कहर अभी भी जारी है। आपको बताते चलें